नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मोटोरोला एज 20 फ्यूजन वर्सेस शाओमी मी 10 आई का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में 6.54 इंच जबकि Xiaomi Mi 10 i में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि एज 20 फ्यूजन से कम है। विड्थ की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में 2.99 इंच जबकि Xiaomi Mi 10 i में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो एज 20 फ्यूजन में 0.32 इंच जबकि Xiaomi Mi 10 i में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि एज 20 फ्यूजन से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो एज 20 फ्यूजन में 185 ग्राम जबकि Xiaomi Mi 10 i में 214.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि एज 20 फ्यूजन से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में OLED जबकि Xiaomi Mi 10 i में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में 6.7 इंचेस जबकि Xiaomi Mi 10 i में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एज 20 फ्यूजन में 85.91% जबकि Xiaomi Mi 10 i में 84.61% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो एज 20 फ्यूजन में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Xiaomi Mi 10 i में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो एज 20 फ्यूजन में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Xiaomi Mi 10 i की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो एज 20 फ्यूजन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Xiaomi Mi 10 i में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में माली G57MC3 जबकि Xiaomi Mi 10 i में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में MediaTek Dimensity 800 UMT6853V और Xiaomi Mi 10 i में Qualcomm Snapdragon 750G मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 6GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में अप टू 1TB जबकि Xiaomi Mi 10 i में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में एंड्रॉइड V11 जबकि Xiaomi Mi 10 i में एंड्रॉइड V10Q देखने को मिलती है। बैटरी एज 20 फ्यूजन में 5000mAh जबकि Xiaomi Mi 10 i में 4820mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो एज 20 फ्यूजन में 2 कलर्स जबकि Xiaomi Mi 10 i में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो H20 Fusion 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 21,499 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Xiaomi Mi 10i की तो वो 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो मोटोरोला H20 Fusion में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Mi 10i की तो उसमें 4 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में H20 Fusion आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Xiaomi Mi 10i आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी F62 है जो कि 22,399 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Mi 11 Lite है जो कि 25,690 रुपए में मिलता है। तीसरा Moto G60 है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 Max है जो कि 24,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।